हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं कद्दू और आलू की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी। बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें हम एक चम्मच से देसी घी डाल देंगे। घी जैसे ही हमारा गर्म होगा इसमें हम आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को कट कर लिया है और इसे हम घी में 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और फिर से वही कढ़ाई ले लेंगे। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो एक बड़े चम्मच से सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे 2-3 सूखी लाल मिर्च, उसी के साथ 5 फोड़न डाल देंगे और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी है, साथ में करी पत्ता डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे थोड़े से बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ। अब मैंने 1/2 kg कद्दू ले लिया है, इसको छील के थोड़े से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से एक बार इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसे अच्छे से पकने देना है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच से नमक डाला है और अच्छे से मिला देंगे। नमक डालने से ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है, अच्छे से गल जाएगा। तो अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ढक देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रखा था मीडियम आंच पे और देखिए कद्दू हमारा पक गया है। और इस तरीके से थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे और अब यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच से लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। बाकी और कोई मसाला मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें तो थोड़ा सा मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सादा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए कद्दू अच्छे से पक गया है, गल गया है, मैंने थोड़ा सा मैश भी कर दिया है उसे। और जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड किया है और अच्छे से इसे हम मिला देंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी सब्जी बन के हमारी ये तैयार होती है, एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद इसको हम ढक के फिर 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसे ढक देते हैं और देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसे फिर ढक के पका लिया है और अच्छे से एक बार इसे चला देते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 1 छोटी चम्मच से आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे गुड़ वाला पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। अगर आपको तीखा खट्टा मीठा अगर नहीं पसंद है तो आप इसे बिना आमचूर पाउडर और गुड़ के भी रख सकते हैं। अगर खट्टा मीठा पसंद करते हो तो आमचूर पाउडर और गुड़ वाला पाउडर या फिर नॉर्मल जो गुड़ आता है वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिला देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे बस 2 मिनट के लिए मैं फिर से ढक के छोड़ दूँगी और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था और अब 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अगर इसको आपको थोड़ा सा और गाढ़ा रखना है तो आप थोड़ी देर इसे और पका सकते हैं या पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी सी खट्टी मीठी सी हमारी कद्दू और आलू की सब्जी बनके यहाँ पे
तैयार हो गई है। आप इसे पूरी के साथ, रोटी पराठे या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।